हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेक्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैंने इस पार्ट के ये विराट कोहली की ड्राइंग की मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। पहले मैंने 4 पार्ट को अपलोड करके रखा है और ये 5वां पार्ट है। 4 वीडियो पहले ही अपलोड करके रखे मैंने चैनल पे। तो हम इस पार्ट में फोर हेड और दोनों चिक्स को ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए अब हम ड्राॅइंग को शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले अभी H2H पेंसिल का यूज़ करेंगे फोर हेड के लिए, क्योंकि हमें वो सब एरिया को लाइट रखना है और उसके वन साइड ही हमें शेडिंग करना है। और हम ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडर यूज़ करने वाले, मेकअप आर्टिस्ट जो यूज़ करते हैं वो। तो सबसे पहले हम लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे और वो भी लाइट प्रेशर के साथ। तो ये वीडियो मेरी छोटी होने वाली है क्योंकि मैं इसे स्पीड अप करने वाला हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। मैं हर ड्राइंग में इसी टेक्निक का यूज़ करता हूँ शेडिंग करने के लिए। इसी टेक्निक और इसी फॉर्म में हमारी शेडिंग जल्दी जल्दी कम्प्लीट हो जाती है। और इस वीडियो को वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत टाइम लगा है, जॉब की वजह से मैं इसे टाइम नहीं दे पाया और इसीलिए इस वीडियो को अपलोड करने में बहुत डिले हो चुका है। आई होप कि आप मुझे समझ सको और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट लेयर लाइट प्रेशर के साथ अप्लाई किया है। अब हम सेकंड लेयर को HB पेंसिल यूज़ करेंगे और जहाँ पे डार्क वैल्यूज है वहीं पे हम अप्लाई करेंगे। एक सराउंडिंग मोशन के साथ हम शेडिंग करेंगे। मैं शेडिंग करते टाइम बहुत धीरे धीरे शेडिंग करता हूँ ताकि हमें ब्लेंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। मेरा 30% ब्लेंडिंग शेडिंग में ही मैं मर्ज कर देता हूँ। और मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडर ही यूज़ कर रहा हूँ, इससे बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग हो पाती है। और मैं इस ड्राइंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी ब्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि मुझे स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए इस ड्राइंग के लिए। और रेफरेंस इमेज में भी वैसे ही ब्लेंडिंग है। आप चाहे तो रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व कर लो ठीक से। और सेकंड लेयर के लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 4A के लिए, और 4B भी यूज़ करूँगा मैं। दोनों भी पेंसिल मैं सेकंड लेयर के लिए यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे वहाँ पे एक हाइलाइट्स और डार्क शेडो क्रिएट करना है। दोनों को मिला के एक डेप्थ क्रिएट हुई वहाँ पर। और हमें 2 या 3 लेयर ही देने हैं 4A के लिए, क्योंकि हमें उस जगह पे ज़्यादा शेडिंग नहीं करनी है और डिटेलिंग भी करने के लिए कुछ ज़रूरत है ही नहीं। रेफरेंस इमेज को आप अच्छी तरह से देख लो, 4A में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। हमें चिक्स पे डिटेलिंग करनी है, तब उस टाइम हम लेयर वाइज काम करेंगे। और हाइलाइट्स के लिए मैं यहाँ पे नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा टूल होगा तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। 4A के लेफ्ट साइड ही हमें डार्क एरियाज़ को क्रिएट करना है और वहीं पे हमें डिटेलिंग करनी है। बाकी सब एरिया को हमें लाइट रखना है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इमेज, और जैसी इमेज है हमें बिल्कुल वैसे ही शेडिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, हमारा 4A का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें चिक्स की शेडिंग करनी है। उसके लिए मैं HB पेंसिल से ही शुरू करूँगा और एक मोशन पे सराउंडिंग मोशन और हैचिंग टेक्निक से हम इसे शेड करेंगे। हमें क्रॉस हैचिंग नहीं करनी है, हमें स्ट्रेट हैचिंग करनी है एक मोशन पे, और एकदम स्लो हमें शेड करनी है। कम से कम हमारे इसमें 4-5 लेयर हो गए। लाइट जो एरिया है हमें उस जगह पर हमारा सिर्फ 2 ही लेयर होंगे, और यहाँ पे एक डार्क एरियाज है, एक डेप्थ क्रिएट हुई है। आप रेफरेंस इमेज देख लो चाहे तो, और एकदम धीरे धीरे से ही शेडिंग करनी है हमें। और यहाँ पे मैं बीच बीच में नीडेड इरेजर भी यूज कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग की वजह से हमारे जहाँ पे डार्क स्पॉट क्रिएट होते हैं ग्राफाइट के, उसको ये नीडेड इरेजर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी शेडिंग ख़राब भी नहीं होती, अच्छी हो पाती है उससे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सेकेंड लेयर के लिए 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ से हमारा डार्क सर्कल शुरू होता है वहाँ से हम नीचे की तरफ एक मोशन पे ड्राइंग करेंगे और शेड भी करेंगे। आप ध्यान में रखना कि हमें एक लेयर वाइज काम करना है, और यहाँ पे एक डिटेलिंग भी क्रिएट हुई है उसको भी एक ठीक से हमें इम्प्लीमेंट करना है, तभी हमारे ड्राइंग का एक 3D लुक मिलेगा। और हमें इस ड्राइंग को रियलिस्टिक लुक देने के लिए 3D इफेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा,
तभी जाके हमारा ड्राइंग एक रियलिस्टिक ड्राइंग हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड लेयर के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ। वैसे जैसे हमें सेकंड लेयर को इम्प्लीमेंट किया था, उसी टाइप से हमें नेक्स्ट लेयर को इम्प्लीमेंट करना है। आप मेरे वीडियो का ठीक से ऑब्जर्व करके देखो कि मैं किस टाइप से शेडिंग कर रहा हूँ और किस मोशन में शेडिंग कर रहा हूँ, कहाँ पे डार्क सर्कल से और कहाँ पे लाइट वैल्यूज मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये आप ठीक से देख लो। मैंने इस चिक्स के पार्ट का बहुत टाइम स्पेंड करके शेडिंग किया है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही कॉम्बिनेशन की डेप्थ क्रिएट हुई है और यहाँ पे बियर्ड और मोस्टेज की शेडो भी एक दूसरे में मर्ज हुई है। और यहाँ पे मेरा फोर्थ लेयर है, उसके लिए मैं 4B पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद जो मैं डिटेलिंग करूँगा उस टाइम मैं 6B पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे जो डार्क वैल्यूज है उसे मैं इम्प्लीमेंट बढ़ाऊँगा और वहीं से मेरी 3D लुक क्रिएट होने वाला है। और आप भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो डिटेलिंग क्रिएट हुई है वहाँ पे हमें ठीक से शेडिंग करना है और अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है। और हमें ड्राइंग के लिए ज़्यादा टाइम लगे तो भी चलेगा, पर हमें डिटेलिंग के लिए अच्छे से टाइम देना है और अच्छे डिटेलिंग को इम्प्लीमेंट कराना है, तभी जाके हमारा ड्राइंग अच्छा लुक मिलेगा और हमारे थोड़ी सी भी गलती से हमारा ड्राइंग ख़राब हो सकता है। इसलिए आप ध्यान में रखना कि जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें ठीक से धीरे धीरे ही ड्राइंग करनी है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इस पार्ट को बनाने में बहुत टाइम लगा है, मुझे जॉब की वजह से पार्ट एडिट करने में और वॉइस ओवर करने में टाइम नहीं मिला। सो ये पार्ट तो अपलोड हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करने वाला हूँ और उस पार्ट में मैं हेयर को ड्रॉ करने वाला हूँ फुल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करो और मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो। और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।